हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं सौरभ और आप लोग देख रहे हैं कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में एसएससी सीएचएसएल का यूट्यूब कोर्स, जिसमें आज मैथ्स में हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। इस लेक्चर का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको कंपटीशन कम्युनिटी का वेबसाइट मिलेगा जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करने के बाद वहां पे आपको माय कोर्स सेक्शन में जाके एसएससी सीएचएसएल के कोर्स में सारे पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे, चाहे वो वीकली शेड्यूल हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिस सेट जो देते हैं हम 25-25 सवाल हर एक वीक एंड में, आपको जो भी टॉपिक पढ़ा गया उससे रिलेटेड, चाहे वो इस लेक्चर का पीडीएफ हो, सारी चीज़ें आपको वहां पर अरेंज्ड मिलेंगी बाय सीक्वेंस जैसा लेक्चर आपका चल रहा है। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ चीज़ और प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इतने हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ है, तो उसका फ़ायदा आपको हो और सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो है एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। इसमें भी हम हमेशा की तरह पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो सवाल है सारे तरीके के सवाल मैं यहाँ करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आपके एग्ज़ाम में रिलेटेड जो सवाल आते हैं वो आपके रिमाइंडर से रिलेटेड आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड भी आते हैं, और एलसीएम एचसीएफ की कुछ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी सवाल बनते हैं। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम का मतलब होता क्या है ये हमें समझना है। इस शब्द में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, ठीक है। एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती, जिसमें कि आप समझ रहे हैं ये मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। जैसे कि मैं अगर कोई दो नंबर ले लूँ, उससे पहले एलसीएम निकालना जो है उसमें दो तरीके हैं, एक तो डिवीज़न मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों चीज़ हम सीखेंगे। अगर मैं कोई दो नंबर लेता हूँ जैसे कि 15 और 12 और 36 और 30, ये दो नंबर है, ठीक है। अगर मुझे इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो जैसे कि मैंने कहा मल्टीपल में कौन सा सबसे छोटा और कॉमन जो हो, कॉमन में सबसे छोटा जो मल्टीपल है दोनों में 15 और 12 में, वही इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। तो अगर मैं 15 के और 12 के मल्टीपल की बात करूं, तो 15 के मल्टीपल में आएगा 15, फिर आएगा 30, फिर आएगा 45, 60, 60 के बाद 75, इसके बाद इस तरीके से चलता रहेगा 90, और वैल्यूज़ ऐसे बढ़ते रहेंगे। अगर 12 की हम बात करें तो 12 के टेबल में 12 के गुना चाहिए सारी मल्टीपल से, फिर आएगा 24, ठीक। 24 के बाद 36, फिर 48, फिर 60, 72, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा 84, ये चलता रहेगा। तो इसमें दोनों वैल्यूज़ जो हमने अभी यहाँ देखा, इसमें सबसे छोटा वैल्यू जो कि कॉमन है दोनों में वो है 60, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60, एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60। ये होता है लघुत्तम समापवर्ती यानी लसा का मतलब, उनके गुणजों में जो दोनों में कॉमन है और साथ ही साथ सबसे छोटा वैल्यू, उसी को हम क्या कहते हैं, तो एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती। एक और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे 36 है तो 36 में आप जानते हैं क्या क्या वैल्यूज़ आएंगे, 36 के बाद 72, 72 के बाद 108, इसके बाद आएगा 144, और फिर आएगा 180, फिर आएगा 216, इस तरीके से चलता रहेगा 36 के मल्टीपल। 30 की बात करें तो ये और आसान है, 30 और 60, फिर 90, ठीक, 120, 150, 180, इस तरीके से चलता रहेगा आगे। अब कॉमन वाला जो है उसको सबसे छोटा जो है कॉमन में वो देखेंगे आप, तो 180 है, तो 180 जो है कहीं ना कहीं इसका दोनों का एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। जहाँ तक एलसीएम की बात है तो मैंने आपको बताया दो तरीके से, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा है डिवीज़न मेथड। तो आइए इसको समझते हैं कि दोनों तरीके से हम कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं 15 और 12 की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई कॉमन नंबर दिख रहा है उस कॉमन से इसको काट लीजिए, 3 से काटूंगा तो ये भी 5 भी कटेगा और 4 भी कटेगा। अब इस पर कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो आप इसको तब तक काटते चले जाते हैं जब तक यहाँ 1-1 ना बचे, या फिर अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं बच रही है तो आप डायरेक्टली 4×5×3 करके एलसीएम जो है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3×5×4 जो कि हो जाएगा 60, ठीक, ये एक तरीका है। यहाँ पर भी आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं 36 और 30 में, एक्चुअली इसमें स्टेप वाइज देखा जाए तो पहले 2 से काटा जाता है, 18 और 15 आता है, फिर देखेंगे कि कॉमन क्या था, 3 था, तो 3 से काटा जाता है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब कुछ कॉमन नहीं है तो 2×3×6×5 करोगे तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम निकल के आएगा वो आ जाएगा 180। ये जो तरीका है ये हम बचपन में सीख चुके हैं, ठीक।
लेकिन यहाँ पर हम जो तरीका अपनाएंगे वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला होगा मेथड, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें कैसे एलसीएम निकालने हैं। जैसे 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो इसमें 4 × 3 है, मतलब 2² × 3¹। अभी तक आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा, इतने सारे वीडियोज़ में मैंने उसे कवर करके रखा हुआ है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से होता है, 15 की बात करें 15 के तो 3¹ और 5¹ होगा। तो जब इसका एलसीएम निकालना हुआ, तो जो भी यहाँ पर प्राइम नंबर आ रहे हैं उसको एक बार आपको लेना है सभी को, और जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा दोनों में, बड़ा जो पावर होगा उसको एक बार निकाल के वहाँ पे लिख लेना है। जैसे 2² यहाँ पे था, चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, ये 2² आपके दोनों में से निकल जाएगा। 3¹ कॉमन है तो 3¹ को एक ही बार लिखना है, और 5¹ को, इसको ऐसे समझिए या ऐसे समझिए कि अगर कोई प्राइम नंबर ऊपर वाले नंबर में आया या नीचे वाले नंबर में आया तो वो एलसीएम में आएगा ही आएगा। सेकेंड पॉइंट, इसमें जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लिखते चले जाएंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर अगर देखा जाए 36 और दूसरा नंबर था 30, इस एग्जाम्पल को भी देखते हैं 36 कैसे बना। तो 6 × 6 से, यानी 2 × 2 है यानी 4, और 2 आपके पास 3 भी है यानी 9, 4 × 9 से 36 बना है। मतलब इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो 2² × 3¹² इस तरीके से लिख सकते हैं। 30 की अगर बात करें तो 2 × 3 × 5 हुआ, तो 2¹ है, 3¹ है और 5¹ ही है। तो अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो आपको ये समझना है कि अगर नंबर कॉमन हो चाहे ना हो, यहाँ पर कोई नंबर दिख रहा है 2 तो यहाँ पे भी होगा, अगर 3 दिख रहा है तो 3 भी और 5 भी होगा, मतलब 2, 3 और 5 तो आएंगे ही इसके एलसीएम में। उसके बाद आपको देखना है जो हाईएस्ट पावर था, यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ 1 था, तो एलसीएम में 2 आएगा, ठीक। 3¹ था, यहाँ 1 था, तो एलसीएम में 2 आएगा, जो बड़ा है वो लिखना है। और 5¹ है, चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसमें 5¹ है, 5¹ यानी 1। तो 5 चाहे यहाँ हो यहाँ हो, किसी भी एक जगह मिल गया तो 5¹ यहाँ पे आना ही है। तो इस तरीके से आप देखोगे 4 है ये, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 होगा, और 20 में अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करो 180 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा था, तो ये 15 × 4 यानी 60 इसका एलसीएम आना। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दो तरीके मैंने आपको शुरुआती दौर पे बताए थे, एक तो डिवीज़न से हम निकाल सकते हैं, दूसरा हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल बना भी है आपके एग्ज़ाम में। चलिए एक सवाल देखते हैं जो कि आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड सवाल है। ये इस तरीके के पैटर्न के सवाल आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ये हमने क्रिएट किया है इस तरीके का सवाल, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इफ़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स 216 और के इज 432, देन फाइंड हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल। यानी दो संख्या दी हुई है 216 एंड और के दिया हुआ है, इसका लस जो है वो 432 है, तो हमें बताना है कि के के कितने मान संभव है, ठीक। मतलब कि हमें दिया गया एक संख्या थी 216, एक संख्या थी के, इन दोनों का जो एलसीएम निकला वो कैसे निकला, तो 432 आया, ठीक। 432 को देखते साथ समझ में आता है कि 216 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 216 में यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कहीं ना कहीं यही नंबर आएगा। तो पहले हम 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। 216 कैसे बना है, 216 बना है 6³ से, ठीक। ये सारी चीज़ें क्यूब्स में देखा था, क्यूब 6³, और 2 क्या है, 6 क्या है, तो 2 × 3 है, 2 × 3¹ में यहाँ पर 3 चढ़ा हुआ, यानी कि अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं तो 2³ मल्टीप्लाइड बाय 3¹ आएगा। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, क्लियर। इसके बाद सवाल में ये पूछ रहा था कि के कितने संभव मान है। तो इस एलसीएम की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात की जाए तो इसमें एक 2 एक्स्ट्रा है, मतलब ये 2¹ था तो यहाँ पे 2¹ आएगा, और यहाँ पे 3¹ था तो यहाँ पे 3¹ आएगा, क्योंकि एलसीएम में पहली वाली संख्या में 2 मल्टीप्लाई किया जाए तो एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब मुझे ये समझना है कि के कितने संभव मान है। तो अभी अभी मैंने आपको जो बताया एलसीएम वाले अप्रोच में, आप इसको याद करने की कोशिश करिए। मैंने आपको ये कहा कि अगर कोई वैल्यू किसी प्राइम नंबर किसी भी दो नंबर में आ जाता है तो उसको एलसीएम में आना स्वाभाविक है। तो एलसीएम में अगर 2 आया और 3 आया, इसका मतलब एलसीएम में, मतलब जो संख्या है उसमें 2 और 3 तो होगा होगा। दूसरी बात, जो हाईएस्ट पावर होता है वो वहाँ पे निकल के आ जाता है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है तो
तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है कि दूसरे वाला जो नंबर है वहाँ पे 2 की पावर 4 होना अनिवार्य है, ये होगा ही होगा, तभी जाके एलसीएम में 2 की पावर 4 आएगा। क्लियर? पहला पॉइंट, 2 के पावर 4 यानी कि आपके पास 16 जो है ये आपके दूसरे नंबर में होना ही चाहिए, तभी जाके एलसीएम में 16 आएगा। ठीक, इसके बाद 3 की अगर हम बात करें तो 3 के पावर 3 तो यहाँ था और 3 के पावर 3 यहाँ भी था, मतलब इस के में हम 3 के पावर 4 नहीं लिख सकते, लिखोगे तो यहाँ पर 3 के पावर 3 कैसे हो सकता है? तो इस के में आप क्या लिख सकते हैं, या तो आप 3 के पावर 3 लिखेंगे या इससे कोई छोटा नंबर लिखेंगे। यानी के में आप क्या क्या वैल्यू लिख सकते हैं, तो पहला आ जाएगा 2 के पावर 4 × 3 के पावर 3, ये लिख सकते थे, या फिर मैं इसकी जगह लिख सकता था 2 के पावर 4 × 3 के पावर 2 लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि k का वैल्यू है 2 के पावर 4 × 3 के पावर 1, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि k का वैल्यू है 2 के पावर 4 और 3 के पावर 0। यानी k के जो संभव मान है वो 1, 2, 3 और 4 पॉसिबल वैल्यूज है, तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपके एलसीएम के सेकेंड वाले तरीके यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणन खंडन के दरमियान में जो वैल्यूज़ है उसके जरिए हम जो एलसीएम निकालते हैं उससे रिलेटेड आपका सवाल है ये। ठीक, चलिए, आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अभी हम पहले एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, फिर आएंगे अगले सवाल में। मस जिसे हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक तरीका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड एक दूसरा तरीका है, डिफरेंस मेथड एक तीसरा तरीका है। तो तीनों मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है। जैसे कि 18 और 15 की बात करें तो इसके नाम में भी इसका मतलब छुपा हुआ है, फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या है? गुणनखंड। तो 18 के क्या गुणनखंड है आप देखिए और 15 के क्या गुणनखंड देखिए। 18 के गुणनखंड है 1, 2, 3, ठीक है, फिर 9 आएगा, 6 भी है सॉरी 6, फिर 9 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर आएगा 18। 15 के गुणनखंडों की अगर मैं बात करूं तो 15 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 3, 5 और 15। अब इन सभी फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसी को हम क्या कहते हैं, तो एचसीएफ कहते हैं। तो बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो एक ही था 3, एक भी कॉमन है, लेकिन हमको ये देखना है कि इनमें दोनों में कॉमन में सबसे बड़ा जो फैक्टर है उसी को एचसीएफ कहते हैं। ठीक, तो HCF क्या हो गया इन दोनों नंबर्स का, ये हो जाएगा 3। ठीक, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पर। पहले मैं आपको तीनों चीज़ों को बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहला जो मैंने तरीका बताया वो हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा तरीका था डिवीज़न अप्रोच। तो डिवीज़न अप्रोच के लिए मैं कुछ दो एग्जांपल ले लेता हूँ, 323 और 391 का हमें निकालना है HCF। तो डिवीज़न अप्रोच में क्या करना है, जब दो नंबर इतने बड़े बड़े वैल्यूज़ आपको दे दिया गया, तो जब इतने बड़े बड़े वैल्यूज होते तो प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आता कि इसमें क्या मल्टीप्लाई है उसमें क्या मल्टीप्लाई है। तो ऐसे केस में क्या करिए, आप यहाँ पर या तो डिवीजन अप्रोच लीजिए या तो डिफरेंस अप्रोच लीजिए, दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहले क्या करेंगे हम डिवीजन अप्रोच से इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डिवीजन अप्रोच में क्या होगा, जो दो नंबर है उसमें से बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना चालू करिए। ठीक, क्या करना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना चालू करिए। तो ये एक बार कटेगा 323 से, माइनस करने पर यहाँ पे 8 आएगा, ये 8 बन जाएगा तो 68 आ जाएगा। क्लियर, अब इस जो रिमाइंडर आ गया, इस रिमाइंडर को तब तक हम डिवाइड करते चले जाएंगे, पिछले वाले नंबर्स को इस रिमाइंडर से तब तक हमें डिवाइड करते जाना है। यानी पिछले बार हमने जो डिवाइड किया था वो 323 था, रिमाइंडर 68 आया, अब 323 डिवाइड होगा 68 से, और ये प्रक्रिया तब तक हमें करते रहना है जब तक के वैल्यू जीरो ना आ जाए। तो 68 यहाँ पे था, बताइए कितने बार जाएगा, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कहीं ना कहीं 340 जो कि बड़ा वैल्यू हो रहा है, तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये बन जाएगा 32, 24 प्लस 3 तो 27 आ रहा है। माइनस करके देखते हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 5 आ रहा है, यानी 51 आया, फिर से 0 नहीं हुआ। अगर फिर से 0 नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, पिछला वाला जिससे आपने डिवाइड किया था 68 से, उसको डिवाइड किया जाएगा इस रिमाइंडर से, यानी 51 से आपको, यानी 68 को आपको डिवाइड करना है 51 से। तो एक बार फिर से 1 से कटेगा 51, माइनस करोगे तो 17 आ गया, अभी फिर भी 0 नहीं हुआ। तो अब इस 17 से आपको 51 को डिवाइड करना होगा, जिस नंबर से आप पिछले बार डिवाइड किए या पिछला जो रिमाइंडर था उसी को यहाँ पर अब डिवाइड किया जाएगा 17 से। तो ये 3 टाइम जाएगा 51, माइनस करने पर 0 आ गया। जैसे ही 0 आया तो आपने आखिरी बार जिससे डिवाइड किया था यानी कि 17, ये आपका बन जाएगा HCF इन दोनों नंबर का। इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा, तो 17 हो जाएगा। ठीक है,
ये हो गया क्या, तो डिवीजन अप्रोच। तो मैंने आपको तीन तरीके बताए थे, एक पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन अप्रोच से हमको देखना है, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं था वो, आपको मैंने केवल ये बताया था कि HCF होता क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अभी आपको बताऊंगा, ये जो है आपका है डिवीजन अप्रोच, ठीक है, डिवीजन अप्रोच हो गया। इसके बाद हम आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहां पर हमको ये पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से नंबर यहां पर कॉमन थे, तो ऐसे तरीके में, ऐसे वाले नंबर्स में आपको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अप्रोच नहीं लगाना है, जो डिवीजन तरीका मैंने बताया वही आपको अप्लाई करना है। जब हम 18 × 5 = 15 देख रहे थे, तो 18 जो है इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3² × 5^1, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 15 को हम लिख सकते हैं 3^1 × 5^1। तो जैसे ही ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है, 5^1 नहीं है सॉरी, ये हो जाएगा 2 × 3^2, ठीक, 2^1 × 3^2। तो इन दोनों का जो HCF होगा, ये HCF हो जाएगा 3। मतलब कि अब आपको ये देखना है, अगर HCF की हम बात कर रहे हैं दो नंबर में, तो वो प्राइम नंबर इसमें भी, नीचे वाले नंबर में भी आना चाहिए, ऊपर वाले नंबर में भी आना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। उसके बाद कॉमन में जो सबसे छोटा वैल्यू है, यानी कि देखो 3 यहाँ भी था 3 यहाँ भी था, तो LCM में हम सबसे बड़ा वैल्यू ले रहे थे, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पहला पॉइंट है HCF निकालते वक्त कि कॉमन होना चाहिए, और कॉमन के साथ साथ यहाँ पर 3 जो है उसका छोटा जो वैल्यू था 3^1, ये HCF हो जाएगा, ठीक है, और सबको मल्टीप्लाई हमें करना होगा। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला अप्रोच। अब मैं आपको यही चीज़ डिवीजन अप्रोच कैसे होता है वो बता देता हूँ। जैसे कि फॉर डिवीजन अप्रोच हो गया, डिवीजन के बाद डिफरेंस अप्रोच क्या है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। डिफरेंस में क्या करना है, आपको इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेना है। तो 391 और इसका डिफरेंस हम लेने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 50 जोड़ूंगा इसमें या 60 जोड़ूंगा तो 83 बन जाएगा, फिर 8 और है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 68 का। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 68 का। अगर 68 इसका डिफरेंस है, तो 68 के फैक्टर्स आप देखना चालू करिए कि क्या क्या है, 1, 2, 4, 17 और 68, ठीक है, और 34 भी आएगा, 34, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए। अब जैसे ही मैंने ये फैक्टर्स देखे, तो इन फैक्टर्स में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इसका HCF हो जाएगा, मतलब जो इसको भी काट रहा होगा, जो इसको भी काट रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है। डिफरेंस जो होता है वो हमेशा, यानी कोई भी दो नंबर का जो डिफरेंस होता है, इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा, उनका जो अंतर होता है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू HCF होता है। ऐसा क्यों होता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जैसे कि आप देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या था, 3, तो ये HCF भी इसका 3 ही निकल के आया था, क्योंकि 3 इसको भी काट रहा है, 3 इसको भी काट रहा है। तो जैसे ही हम इसका डिफरेंस लिखेंगे 68, तो आप देखिए 68 में कौन कौन से नंबर छुपे हैं, और उन नंबर से आप देखिए क्या ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे आप 17 से इसको काटोगे तो लगभग ये 19 टाइम्स कटेगा, ठीक, इसको 17 से काटोगे तो 23 टाइम्स कटेगा ये। तो ये पूरी तरह से यहाँ पर दोनों वैल्यूज को 17 काट रहा है, इसलिए 17 इन दोनों का HCF हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हो गए HCF निकालने के, पहला आपका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा आपका डिवीजन अप्रोच, तीसरा आपका जो है डिफरेंस अप्रोच। तीनों तरीके से आप HCF को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमें भिन्न दे दिए जाए, यानी कि फ्रैक्शंस दे दिए जाए, तो इसका LCM और HCF कैसे निकालना है। जब LCM निकालने की बारी होती है, लघुत्तम समापवर्ती, तो क्या करना होगा, इनके HCF यानी कि न्यूमरेटर का हमें LCM लेना होगा लघुत्तम समापवर्ती, और यहाँ तक आपको वैल्यूज लेकर रुकना नहीं है, उसको विभाजन भी करना होगा इसके डिनोमिनेटर यानी हरों के HCF से, ठीक। ध्यान सिर्फ इतना देना है कि जो फ्रैक्शन आप ले रहे हैं वो फ्रैक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, सिंप्लीफाइड यानी सरलीकरण करने के बाद जो आखिर में फ्रैक्शन बचा उसी फ्रैक्शन का हम LCM या HCF निकालते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, भिन्न दिए हुए हैं, तो सबसे पहले देखिए 2 और 9 में कुछ और ज़्यादा नहीं कट सकता, 4, 15 में भी नहीं, 14 और 75 में भी नहीं। तो जब इनका लघुत्तम समापवर्ती निकालना है तो हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे न्यूमरेटर का यानी 2, 4 का और 14 का, ठीक,
और इसके बाद HCF निकालेंगे इसके डिनोमिनेटर का, यानी 9, 15 और 75 का। ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो बताइए LCM क्या हो गया? अगर यहाँ पर 4 दिख रहा है तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ 7 दिख रहा है, मतलब 28 हो गया LCM ऊपर वाले तीन नंबर का। HCF की बात करते हैं तो केवल और केवल 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब इन तीनों फ्रैक्शन का LCM बन जाएगा 28/3। ये है प्रक्रिया LCM निकालने का फॉर फ्रैक्शंस। अब देखिए अगर HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो जस्ट यहाँ पर जो LCM और HCF निकाल रहे थे उसको रिवर्स कर दीजिए। कहने का मतलब ये कि जब हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है भिन्नों का तो इनके अंशों का मसा लेंगे, यानी HCF ऑफ न्यूमरेटर्स निकालना होगा, और हरों का लसा लेंगे यानी LCM ऑफ डिनोमिनेटर निकालना होगा। और जैसे ही आप ऐसा प्रक्रिया करेंगे तो जो है भिन्नों का आपका HCF निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है इसको समझिए, कहने का मतलब यह है कि ये जो तीन नंबर है इन तीनों नंबर का अगर मुझे HCF निकालना है तो मुझे HCF किसका किसका लेना होगा, इसके न्यूमरेटर का मतलब 2 का, 4 का और 14 का, ठीक। डिवाइडेड बाय मुझे LCM निकालना होगा किसका किसका, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दिख रहा है 9, ठीक है, 15 और 75, ये इसका कंप्लीट HCF कहलाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप HCF की बात कर रहे हैं 2, 4 और 14 में, तो यहाँ पर 2 निकल के आएगा कॉमन, क्लियर। HCF में जब LCM की बात होती है तो चाहे कोई नंबर कॉमन हो या ना हो वो नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 से बना हुआ है, ये यहाँ पे 3 और 5 दोनों से बना है, ये भी 3 और 5 दोनों से बना है। तो अगर कॉमन निकालने की बात करें तो 9 सबसे बड़ा यहाँ पे है 3 के प्राइम नंबर में, और यहाँ पे 25 सबसे ज़्यादा है, तो 25 × 9 करोगे तो 225 आएगा, 225 इसका LCM हो जाएगा। यानी इन तीनों का जो HCF है महत्तम समापवर्तक वो है 2/225, ठीक। समझ में आ गया कि कैसे अगर फ्रैक्शन दिया जाए तो उसका LCM कैसे निकालना है और HCF कैसे निकालना है, इसको नोट करके रखिए। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिए हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर HCF LCM दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान ये देना है कि सब सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कि नहीं है। 64 और 35 ठीक था, 16/10 लिखोगे तो गलत है, इसको पहले आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 16/10 सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो पहला काम है कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना। तो इस 16 को और 10 को हमें क्या लिखना होगा, 8/5 लिखना होगा, 8/5, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक, 8/5 लाना होगा। 32, 75 ठीक है, 48 और 25 ठीक है। तो अगर मैं इसके LCM की बात करूं तो LCM क्या होगा, LCM ऑफ 64 और 8, 32 और 48 डिवाइडेड बाय HCF किसका किसका, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दिख रहा है इसके HCF लेने होंगे, यानी 35, फिर यहाँ का 5 एक बचा हुआ है इसका, 75 और 25, ठीक है। तो बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू LCM जो है इन सभी का हो जाएगा, 64 तो कॉमन निकाल लो तो सारे 2 निकल जाएंगे, क्योंकि 2 का हाईएस्ट पावर 64 में छुपा हुआ है, और इसके अंदर 16 × 3 यानी एक 3 एक्स्ट्रा छुट पाओ, तो 64 × 3 LCM होगा यानी 192, और बटे में देखोगे तो 5 जो है वो सभी में कॉमन था, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका LCM हो गया, ठीक है। चलिए आपका होमवर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इसका HCF महत्तम समापवर्तक, ठीक, ये आपका होमवर्क है, मैं देखूंगा कितने लोगों ने कमेंट किया है कमेंट सेक्शन में। चलिए इसके बाद सेकेंड वाला जो वैल्यू है इसको देखते हैं, ये जो है क्या है, ये 3/10 है। दूसरा वाला वैल्यू क्या है, 27/10 होगा, ठीक। तीसरा वाला वैल्यू क्या है, तो 36/10 होगा, लेकिन जैसे ही आप 36/10 लिखते हो तो ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो पहले दूसरे में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो तीसरा वैल्यू है ये कहीं ना कहीं सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो 2 से पहले कट करना होगा इसे। तो 2 से कट करने पर यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ये आएगा 18/5, ठीक, 18/5। तो मैं अब इसका HCF आपको बताता हूँ क्या होगा। HCF जब निकालना है इन सेकेंड वाले वैल्यू का तो आपको HCF निकालना होगा 3 का, 27 का और 18 का, ठीक है। और आपको LCM निकालना होगा किसका किसका, तो नीचे जो वैल्यू है 10, 10 और 5 का, 10, 10 और 5, ठीक। अब HCF निकालने की बारी आई, तो केवल 3 तीनों में कॉमन दिख रहा है तो 3 ही आएगा, LCM निकालना है तीनों का तो 10 आएगा, मतलब HCF जो है वो हो गया 3/10, क्लियर है कैसे हमें HCF निकालना है। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जो सेकेंड वाला है इसका LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या है, मैं चेक करूंगा कितने लोगों ने कमेंट किया है। चलिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक दबाएं, क्योंकि आप सारे वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक बटन दबाना भूल जाते हैं, अगर मैं आपको रिमाइंड ना करूं तो लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक से
आपके सब्सक्राइब से, आपके शेयर से हमें जो है एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये हमने देखा हुआ था पिछले वीडियो में, ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, जब a के पावर n और b के पावर n की बात हो रही थी, जिसमें n ऑड होता है यानी n विषम संख्या होता है, तो ये a प्लस बी से पूरी तरह से विभाजित होता है। सेम चीज़ मैंने बताया था, जब a के पावर n माइनस बी के पावर n में जब n ऑड होता है यानी n विषम संख्या है, तो ये a माइनस बी से पूरी तरह से विभाजित होता है। ये दूसरा पॉइंट हम देख चुके हैं। प्लस वाले केस में क्या था, यानी कि जब n इवन था उस वाले केस में क्या देखा था, जब n सम संख्या होती है, तो जब a के पावर n और b के पावर n होता है, तो ये किसी से भी विभाज्य नहीं होता। किसी से भी विभाज्य नहीं होने का मतलब a प्लस बी से भी नहीं और a माइनस बी से भी नहीं, ये हमने देख के रखा हुआ है। और साथ में लास्ट वाले पॉइंट में जब आप देखेंगे कि सम संख्या है और n इवन है, ठीक है, सम संख्या यानी n इवन है और a के पावर n माइनस b के पावर n को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो ये किससे किससे डिविजिबल होगा, ये a प्लस बी से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और a माइनस बी से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख के रखा हुआ। इसी के तहत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि हम मेरा सारे लेक्चर्स जो है वो एक फ्लो में चलेगा, तो ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर और देखेंगे कि HCF LCM में इससे हमें क्या सीखना है। तो सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर अगर इस तरीके का कोई नंबर लेता हूँ, a के पावर n प्लस a के पावर 1, सॉरी a के पावर n प्लस 1 और a के पावर m प्लस 1, इसका हमें क्या निकालना है, HCF, यानी कि आपको निकालना है फैक्टर, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो a के पावर n है प्लस 1 है, क्या मैं इसको 1 के पावर n भी तो लिख सकता था? इसी प्रकार अगर ये a के पावर m है, इसको भी प्लस वन करके मैं यहाँ पर वन के पावर एम लिख सकता था, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि अगर एन ऑड होता है, अगर एन ऑड होता है तो ये ए प्लस वन से पूरी तरह से विभाज्य होता है, यानी ए प्लस वन जो है ए के पावर एन प्लस वन के पावर एन का फैक्टर निकल जाता है। उसी प्रकार अगर एम भी यहाँ पर अगर ऑड हो गया, दोनों एन और एम एक साथ ऑड हो गए, तो दूसरा वाला वैल्यू भी किससे कटेगा, तो a प्लस वन से पूरी तरह से कटेगा, यानी कहीं ना कहीं a प्लस वन जो है इसका भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर। तो जब आपको इन दोनों का HCF निकालने को कहा जाए, महत्तम समाप्तवर्ती निकालने को कहा जाए, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि a प्लस वन और a प्लस वन दोनों तरफ कटेंगे जब n और m जो है ये ऑड हो, ठीक, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई बेसिक सी बातें, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे आप समझिए कि ये 3n जो है कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में, 3 × 5 के फॉर्मेट में, यानी कि जो n है यहाँ पर मैंने लिख दिया a के पावर 15 प्लस 1, ठीक, और दूसरी बात मैं यहाँ m की जगह लिख लेता हूँ 3 × 7, मतलब कि क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर a के पावर 21 प्लस 1। तो इस केस में क्या होता है, आप जानते हैं एक फार्मूला सर्ट सिंडाइसिस का एक फार्मूला है, a के घात m के घात n जो होता है ये होता है a के घात m n, यही हम सीख के रखें। तो क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से तोड़ के लिख सकता हूँ, ये जो 15 है इसको मैं लिख सकता हूँ a क्यूब के घात में 5 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, और जो दूसरा वैल्यू है इसको क्या लिख सकते हैं, a क्यूब के घात में 7 प्लस 1। अब आप इस पूरी चीज़ को देखिए और समझिए, यहाँ पर फिर से वही चीज़ें हो रही कि जब n ऑड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ n क्या है 5, यहाँ पर क्या है m ऑड है, m क्या है यहाँ पे 7 है, तो ये a क्यूब प्लस 1 यानी कि ये दोनों नंबर जो है किससे पूरी तरह से कटेगा, a क्यूब प्लस 1 से कटेगा, यानी कि समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको क्या करना है, जब n ऑड होता है तो यहाँ n और m दोनों का आपको HCF लेना है, महत्तम समापवर्ती, क्योंकि 21 और 15 का महत्तम समापवर्ती क्या था, 3 था, तो ये a क्यूब प्लस 1 से पूरी तरह से कट रहा है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अभी सीखने वाले हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में थोड़ा सा सीखे थे। अब हम उसके अगले स्टेप में जा रहे हैं कि अगर m n दोनों ऑड हो गया, m n तथा दोनों के दोनों विषम हो जाते हैं, तो इन दोनों नंबर्स का HCF, किसका HCF की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो दो नंबर आपको दिख रहे हैं, पहला नंबर ये और दूसरा नंबर, इन दोनों का HCF हो जाएगा, a के घात में HCF ले लोगे m n का प्लस 1 होगा, ठीक। यदि m या फिर n दोनों में से कोई भी एक इवन हो गया, या तो m इवन हो गया
या एन इवन हो गया तो फिर एच सी एफ जो आएगा वो वन आएगा, और कुछ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक, सेम चीज़ जब यहाँ ए के पावर एन माइनस वन, ए के पावर एम माइनस वन चल रहा है, इस केस में क्या होता है समझ लेते हैं। इस केस में अगर ऑड हो चाहे इवन हो, एम और एन आर ऑड और इवन, यानी कि जब एम एम विषम हो चाहे सम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो आंसर आएगा डायरेक्टली एच सी एफ इन दोनों वैल्यूज का आ जाएगा, ए के घात एच सी एफ एम एन माइनस एक। तो इस चीज़ को अच्छे से नोट करके रखिए, यहाँ प्लस एक होता है और जब माइनस होता है तो ए के घात एच सी एफ एम एन माइनस का एक होगा। ठीक, चलिए एच सी एफ ऑफ फॉलोइंग आपको निकालना है, फ्रैक्शंस नहीं है यहाँ पर, एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग होगा, ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक, भिन्न नहीं है, इन सभी का एच सी एफ निकालना है। तो आपको बस ये देखना है, ये 63 है, यहाँ 45 है, दोनों के दोनों क्या है, विषम संख्या है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली 6 के घात, इसका पावर में आ जाएगा 6 के घात 63 और 45 का एच सी एफ, 63 और 45 का एच सी एफ होता है 9, प्लस 1 उत्तर हो जाएगा, ये इसका एच सी एफ है। बताइए कितना आसान है ये। ठीक, अब 60 आ गया और यहाँ पर 35 आ गया, तो अगर यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, अगर इसमें से एक वैल्यू भी, कोई भी एक वैल्यू भी अगर यहाँ पर इवन हो जाता है, उस केस में आपका एच सी एफ यहाँ पर वन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान आसान सी बातें करेंगे यहाँ। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखिए माइनस है, ये माइनस, ये माइनस, तो ये 25 और 65 का आपको क्या करना है, एच सी एफ निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा 7 के घात 5 माइनस 1। तो हमने यहाँ पर क्या किया, केवल 25 और 65 का एच सी एफ निकाला, महत्तम समापवर्ती जो कि 5 है, तो 7 के घात 5 माइनस 1 जो है इसका एच सी एफ हो जाएगा। ये जो सवाल है ये आपके प्रीवियस ईयर सवाल है, आखिरी वाला जो लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए 3 के घात 3 के घात में 333 है और प्लस 1 है, यहाँ पे 3 के घात 3 के घात 334 है और आपके प्लस 1 है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पहले वाले फॉर्मेट में था, अब ये क्योंकि आप ऊपर देखेंगे तो ये भी एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है, तो आपको क्या करना है, एच सी एफ लेना है किसका किसका, 3 के घात 333 का कॉमा 3 के घात 334 का। तो आप जानते हैं कि इन दोनों का एच सी एफ क्या होगा, 3 के घात 333 होगा, क्योंकि एच सी एफ कैसे निकलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो पहले ही करके रखा है, इसमें जो 3 है वो 3 दोनों में था तो 3 कॉमन निकाल दिया, लेकिन एच सी एफ में जो इनमें छोटा होता है वो एच सी एफ, यानी 3 के पावर 333 इसका एच सी एफ। तो इन दोनों का जो एच सी एफ हो जाएगा वो हो जाएगा 3 के पावर 333 प्लस का 1। ठीक, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा और ये आपका प्रीवियस ईयर सवाल है। चलिए अब यहाँ से एक चीज़ मुझे आपको बताने का हक बनता है, जैसे कि सपोज करिए कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि 2 के पावर 3 के पावर अगर मैंने 4 लिखा हुआ है और 2 के पावर 3 के पावर मैंने 4 लिखा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, इसका मतलब है कि आपने 2 के पावर 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, जिसका मतलब है कि आप 3 3 3 3 को जोड़ के 2 के पावर 12 लिख सकते हैं, और यही आपका फॉर्मूला बनाता है ए के घात एम के घात एन जो होता है, ये होता है ए के घात एम इन टू एन। क्लियर, लेकिन यहाँ पर जो 4 लगा हुआ है वो पूरे के पूरे 2 के पावर 3 पे नहीं लगा, ये केवल 3 के ऊपर लगा हुआ है, मतलब कि ये क्या है, तो 2 के पावर 81 है, जो कि बहुत बड़ा वैल्यू है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पावर पूरे पे लगा हुआ है तो ये 2 के पावर 12 बन जाएगा, लेकिन अगर पावर 3 के ऊपर लगा है तो 3 के पावर 4 क्या होता है, 3 × 3 × 3 × 3 जो कि हो जाएगा 81, यानी ये 2 के पावर में क्या लगा हुआ है, तो 81 लगा हुआ है। क्लियर, चलिए ये चीज़ मुझे यहाँ बताना था, क्योंकि ये नंबर, इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस नहीं किया है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर एनी टू नंबर्स, यदि कोई भी दो नंबर दिया गया, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, यानी कि आपके इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है, यानी इनका जो लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक, चलिए अब इसमें से हम कुछ चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज एच, देन द नंबर्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ एच ए एंड एच बी सच दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। यदि दो संख्या जो है उसका एच सी एफ एच है, तो दो संख्या एच ए और एच बी के रूप में होती हैं, जो कि होंगे, जो कि जिसमें कि आपके ए और बी जो है वो सहवाज्य होंगे।
तो हम लिख सकते हैं कि LCM बराबर हो गया H इंटू A इंटू B। इसको नोट करिए। अब समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे कि थोड़े एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर मैं कोई दो नंबर ले लेता हूँ 15 और 12, इस 15 और 12 की HCF की बात करें तो इसका जो HCF होता है, HCF हो जाएगा आपका 3, ठीक है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो जो 15 था, इस 15 को मैं कैसे लिख सकता था, इस 15 को मैं लिख सकता था 3 × 5, और जो 12 था उसको मैं क्या लिख सकता था 3 × 4, ठीक है। अब LCM की जब हम बारी आएगी तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कॉमन होता है वो 3 एक बार निकल जाता है, तो ये 3 पूरी तरह से निकल गया, बचा क्या, तो यहाँ 4 बचा था, यहाँ 5 लिखा, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो कोई भी जो दो नंबर है उसमें मैंने ये कहा कि अगर HCF H है तो उस H को अलग करोगे तो यहाँ पर A मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर H अलग करोगे तो यहाँ B मल्टीप्लाई होगा। तो इससे होता ये है कि ये जो दो नंबर्स निकल के आए ये आपस में को प्राइम होते हैं, यानी इन दोनों का HCF अब 1 होता है, 4 और 5 का। A और B जो है वो सह अभाज्य हो जाते हैं, यानी इसका HCF 1 होता है। तो LCM बराबर H इंटू A इंटू B लिख सकते हैं, 3 निकाल दिया, फिर 4 × 5 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी के तहत हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि LCM इंटू HCF क्या हुआ। LCM इंटू HCF यदि किया जाए तो क्या हुआ, ये LCM बन गया, ये चीज़ तो LCM बन गई, तो H AB, और HCF क्या था, तो HCF H ही था, मतलब LCM इंटू HCF का वैल्यू है H AB और H स्क्वायर AB, सॉरी, और दोनों संख्याएं क्या है, तो दोनों संख्या H A और H B है, तो मतलब इन दोनों को भी अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो H दो बार आ रहा है जो कि H स्क्वायर है और ये AB है। तो अभी अभी मैंने जो प्रॉपर्टी देखा वो यहाँ प्रूव भी हम कर सकते हैं कि LCM गुणे HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ LCM HCF को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी H स्क्वायर AB आ रहा है, और जब दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी H स्क्वायर AB आ रहा है। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी हमने देखा कि महत्तम समापवर्तीय लघुत्तम समापवर्तीय दो संख्याओं का जब प्रोडक्ट लोगे तो ये दोनों संख्या जो है एक दूसरे के प्रोडक्ट के भी बराबर होगा, और LCM HCF के प्रोडक्ट के दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को अब हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम आते हैं, कुछ सवाल देखते हैं इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड। द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 175, देन वॉट इज द LCM। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है वो 175 है, तो आपको निकालना है इसका लघुत्तम पर समापवर्तक क्या होगा। तो LCM इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट होता है दोनों संख्याओं का, ये हम देख चुके हैं। तो सबसे पहली बात, जो प्रोडक्ट है दो संख्याओं का, दो को प्राइम नंबर का, ये है 175, यही है। इन दोनों को अगर हम को प्राइम कह रहे हैं तो को प्राइम का डेफिनेशन क्या होता है, को प्राइम का मतलब ये होता है कि इसका HCF 1 होगा, यानी कि मैं यहाँ से HCF को 1 लिख सकता हूँ, ये है 1 मल्टीप्लाइड बाय LCM, यानी कि क्या हम ये लिख सकते हैं कि LCM भी 175 ही होगा। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली देखना है कि जो प्रोडक्ट है वही आपका LCM भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, दिया हुआ रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 9:11 एंड देयर HCF इज 18, तो देयर LCM इज, दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 9 और 11 का अनुपात में है, महत्तम समापवर्तक जो है वो 18 है, तो आपको बताना है संख्या क्या। तो हम जानते हैं LCM क्या होती है, ये एच ए बी के फॉर्म में होती है। अब आपको क्या दिया हुआ है, ये सह अभाज्य है कि नहीं है वो बस देखना था। तो ए इज टू बी जो दिया हुआ है वो 9 × 11 दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें यहाँ एच सी एफ डाल देना है 18, और 18 में आपको मल्टीप्लाई कर देना है 99। मतलब कि अगर ये 100 होता तो 1800 आता, 1800 में 18 कम, मतलब कि आपको 17, ठीक है, और 82 लिख देना है, ठीक, 1782 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब छोटी सी कैलकुलेशन ट्रिक समझिए कि 18 मल्टीप्लाइड बाय 99 करना है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 18 में एक कम कर देंगे तो 17 आ जाएगा, 9 में से एक घटाओगे 8, 9 में से 7 घटाओगे तो 2, ठीक, ये कैलकुलेशन ट्रिक आप नोट करके रख सकते हैं। जैसे कि मुझे निकालना है 347 मल्टीप्लाइड बाय 999, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा 346, और 9 में से 3 घटाऊंगा तो 6 आएगा, 9 में से 4 घटाऊंगा तो 5, और 9 में से 6 घटाऊंगा तो 3 आएगा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया, 18 × 99 था, तो 18 में यहाँ पर मैंने एक कम करके 17 लिखा, 9 में से 1 घटाया 8, 9 में से 7 घटाया तो 2। चलिए ये कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स हो गए, आगे बढ़ते हैं। HCF LCM जो है दो 3-डिजिट नंबर्स का है, 30 और 5610 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द नंबर्स। तीन अंकों की दो संख्या है, संख्याओं का मस तथा लस जो है ये 30 और 5610 है, तो संख्याएं क्या है ये हमें ज्ञात करनी है।
तो सबसे पहली बात, आपको एक क्लू सबसे बड़ा जो ये दिया हुआ है कि जो संख्या है वो दोनों 3 अंकों वाली संख्या है। तो HCF जो है वो क्या है, 30। LCM क्या है ये, तो इस LCM में यदि मैं 30 को हटा दूं, मतलब 5610 को अगर मैं 30 इसमें से हटा दूं, तो क्या बच रहा है ये देखते हैं। 30 जैसे ही हटाऊंगा तो यहां पर 0 तो हट गया, 3 से काटोगे तो यहां पर एक बार जाएगा, फिर 26 आ रहा है तो 8 बार जाएगा, फिर 21 आ रहा है तो यहां पर 17 बार। मतलब देखिए ये इसके फॉर्म में 30 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 11। अभी अभी हमने देखा था कि कोई भी जो दो नंबर्स है वो आपके एच ए इंटू एच बी के फॉर्म में होते हैं, तो आपका जो एलसीएम होता है वो एच ए बी होता है, जिसमें ए और बी आपके को प्राइम हो। तो डायरेक्टली आप 30 मल्टीप्लाइड बाय 17 करिए तो 510 एक नंबर होना चाहिए, 30 मल्टीप्लाइड बाय 11 करिए तो आपका 330 दूसरा नंबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों 3 डिजिट नंबर है। और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते थे, लेकिन दोनों 3 डिजिट नंबर होने चाहिए, इसलिए यहां पर जो पॉसिबिलिटी होगी वो होगी 330 और 510 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से हम देखेंगे रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ सवाल। रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ सवाल आपके एग्जाम में आते हैं कि सबसे छोटे 4 अंकों वाली संख्या निकालिए जो कि इनसे विभाज्य हो, इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो सवाल है वो आपके दो तरीके के होते हैं, एक HCF से रिलेटेड होता है और एक LCM से रिलेटेड होता है। हमेशा हमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि HCF का मतलब, अगर HCF रिलेटेड सवाल होगा तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वही आपका HCF रिलेटेड सवाल निकालता है, और जब LCM रिलेटेड वैल्यू होता है तो हमेशा जो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है वो हमारा LCM रिलेटेड सवाल होता है। लेकिन ये एक मिथ है, यानी कि ये सही नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा गलत है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल एरर हो सकता है। कैसे हमें समझना है उसको समझिए। जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड को जब डिवाइजर से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्वोशेंट और यहाँ पे रिमाइंडर आता है, ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर डिवाइड क्या हो रहा है, डिविडेंड जो है ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइजर जो है ये डिवाइड कर रहा है, तो ये आपका है डिवाइजर यानी भाजक। ठीक है, और ये है आपका डिविडेंड जो कि क्या है, आपका भाग। तो अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सवाल में यदि आपको ये निकालने को कहा जाए डिविडेंड, कैसे निकालने को कहा जाए, आपको बोला जाएगा कि ऐसी संख्या निकालिए जो 3-4 नंबरों से विभाजित हो रहा है। तो अगर विभाजित हो रहा है मतलब आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा, और आपको फाइंड क्या करने को कहा, ये फाइंड करने को कहा। तो कहीं ना कहीं आप मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो होता है वो इसके मल्टीपल्स में आता है, डी मल्टीप्लाइड बाय क्यू किया जाता है और फिर रिमाइंडर को जोड़ने पर ही वैल्यू। तो जब आप किसी के मल्टीपल्स को निकाल रहे हैं, यानी आप न्यूमरेटर निकाल रहे हैं, डिविडेंड निकाल रहे हैं, यानी जो भाग हो रहा है, यानी जो कट रहा है उसे निकाल रहे हैं, तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि यहाँ मल्टीपल की बात हो रही है, इसलिए एलसीएम का सवाल हुआ। ठीक, अब अगर सवाल में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके बारे में, डिविडेंड के बारे में, और बोला जा रहा है कि इस नंबर को किसी नंबर से काटा जा रहा है, तो बताइए किससे काटा जाता है। आपको जब ये नंबर दिया गया और बोला जा रहा है कि इसको आप भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपको इसके बारे में पूछा जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको इसका फैक्टर ढूंढना है, और जब आपको डिनोमिनेटर यानी कि ऐसे नंबर निकालने जो कि किसी नंबर को काट रहा है, तो ये आपका HCF का सवाल होता है, महत्तम समापवर्ती का सवाल होता है। ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि मैक्सिमम कुछ निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लगा लो, और कुछ मिनिमम निकालना है तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, ये गलत अंडरस्टैंडिंग। ठीक, कैसे समझना है ये समझ में आ गया होगा आपको, आपने नोट किया होगा। अगर अभी नोट किया है तो मैं आपको सवालों के जरिए भी समझाऊंगा जो चीज़ें मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, अभी नोट करके रखिए। तो रिमाइंडर के रिलेटेड HCF में दो टाइप के सवाल है, LCM में भी दो टाइप के सवाल है। तो पहले HCF में आते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर n दैट डिवाइड्स a एंड b लीविंग डिफरेंट रिमाइंडर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। सबसे छोटी संख्या n जिसे हम a और b से विभाजित करने पर, जिससे आप a और b को विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल सी आ रहा है। अब समझिए, a को हम n से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल आ रहा है c, b को हम n से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल आ रहा है d। तो बताइए ये LCF का सवाल नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि देखिए आपसे वो पूछा जा रहा है कि आप इससे उसको काट रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि n का मान क्या। तो आप खुद ही बताइए कि n के किसी मल्टीपल को आपने यहाँ लिखा होगा और इसको माइनस करने पर ये वैल्यू आया होगा। मतलब अगर मैं a माइनस सी करूँ तो कहीं ना कहीं ये मल्टीपल का वैल्यू आना चाहिए,
तो मैं यहाँ पर a माइनस सी पहले लिखूंगा, और यहाँ पर भी आपने n के किसी मल्टीपल को लिया होगा माइनस करने के बाद d लाया होगा, मतलब b माइनस d करने पर भी n का कोई मल्टीपल आएगा। कहने का मतलब ये कि a माइनस सी और b माइनस d जब हम दोनों चीज़ें यहाँ पर लिख लेते हैं तो ये दोनों n के मल्टीपल होते हैं, यानी कि गुणज होते हैं। अब अगर ये दोनों n के मल्टीपल है, मतलब n जो है इसका भी फैक्टर होगा और इसका भी फैक्टर होगा, उन फैक्टरों में जो सबसे बड़ा फैक्टर है HCF है, वही सबसे बड़ी संख्या निकल के आएगी, इसलिए इस तरीके से यह फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल, n सबसे बड़ी नंबर है जिससे आप 65 को डिवाइड करते हैं तो दो रिमाइंडर बचता है, तो HCF किसका निकालोगे, 65 माइनस 2 करो 63 आएगा, कॉमा 39 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आता है तो 39 माइनस 4 करो 35 आएगा। तो आपको बस यही करना था, इन दोनों का HCF निकालना, मतलब n जो है वो हो जाएगा 7। क्लियर, यही तो हो रहा है ना, 7 से हम 63 को डिवाइड किए, सॉरी 63 को नहीं, हमने किसको 65 को डिवाइड किया था, एक्चुअली 65 को डिवाइड किया तो 9 बार गया 63 से, माइनस किए तो 2 बचा। ठीक, और 7 से जब हमने 39 को डिवाइड किया तो 5 बार पूरी तरह से कट गया 35 से, माइनस करने पर 4 आया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 39 में आप 4 माइनस करिए तो 35 आता है, 65 में 2 माइनस करिए तो 63 आता है, और 63 और 35 का HCF निकाल लीजिए, 7 सबसे बड़ा नंबर निकल के आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर n दैट डिवाइड 73 एंड 165 लीविंग रिमाइंडर्स 4 इन ईच केस, सबसे बड़ी संख्या n जिससे आप 73 और 65 को विभाजित करते हैं और शेष दोनों में ही कितना बच रहा है, तो 4 बच रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अलग अलग रिमाइंडर आ रहा था तो हम अलग अलग चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ दोनों केस में 4 आ रहा है तो दोनों केस में 4 को माइनस कर देते हैं। 73 में 4 को माइनस करोगे 69 आएगा, 165 में 4 को माइनस करोगे 161 आएगा। दोनों को देखते साथ ये समझ में आ रहा है कि इसका HCF जो होगा वो 23 होगा, क्योंकि 23 इंटू 3 69 होता है, और 23 इंटू 7 करोगे तो 161 आएगा। तो 23 सबसे बड़ी संख्या होगी n का मान जो ऐसे सेटिस्फाई करे। ठीक, चलिए अब आते हैं HCF के सेकेंड पार्ट में। HCF के सेकेंड पार्ट में यहाँ पर टाइप 2 में क्या पूछा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर n सच दैट डिवाइड्स ए बी सी लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो सबसे बड़ी संख्या n ऐसे निकालना है जिससे हम ए बी सी को जब विभाजित करते हैं तो सभी में समान शेषफल बचता है। तो समान शेषफल यदि बच रहा है तो आपको करना क्या है, आपको ए बी का डिफरेंस लेना है, यहाँ लिख देना है, बी सी का डिफरेंस लेना है, यहाँ लिख देना है, सी ए का डिफरेंस लिखना है, यहाँ लिख देना है, और तीनों का आपको HCF निकालना है। यही n का सबसे बड़ा वैल्यू होगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझिए, क्योंकि देखिए n को जब मैं a से जब डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है। सपोज करिए कि यहाँ पर x कोई वैल्यू था, ठीक है, अगर n से मैं b को डिवाइड करता हूँ तो भी रिमाइंडर मेरा जो आ रहा है वो r का आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज करते हैं कि y का वैल्यू था। तीसरी बात, अगर मैं n से c को डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर फिर से r आ रहा है, यहाँ पर z सपोज करते हैं, z आ रहा होगा। तो सवाल बस यही है कि रिमाइंडर तीनों में सेम आ रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर a को क्या लिख सकते हैं, पिछले वाले वीडियो को याद करिए, a बराबर क्या हो सकता है, a बराबर हो सकता है एन एक्स प्लस आर, बी बराबर क्या हो सकता है एन वाई प्लस आर, सी बराबर क्या हो सकता है एन वाई एन जेड प्लस आर, सॉरी एन जेड प्लस आर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर a माइनस बी करता हूँ, a माइनस बी करने पर r और r कट जाता है, क्या बचता है n इंटू x माइनस वाई बचता है। जब मैं b माइनस सी करूँगा तो n बाहर आ जाएगा और यहाँ से बचेगा y माइनस जेड, और फिर से एक बार जब मैं c माइनस a करूँगा तो n आ जाएगा और इसमें जो बचेगा r r काटने पर z माइनस ऑफ a। तो कुल मिला के हमारा जो रिमाइंडर है इस केस में कट जाता है, जो शेष बच रहा है, और जो बाकी बचा हुआ वैल्यू रहता है वो कहीं ना कहीं n के मल्टीपल होते हैं, यानी गुणज होते हैं। तो अगर ये सारे n के मल्टीपल्स हैं तो n सभी का फैक्टर होगा, और इन फैक्टरों में यानी गुणनखंडों में सबसे बड़ा जो गुणनखंड है उसी को ही तो हम महत्तम समापवर्त्य कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके के सवाल में आपसे दो चीज़ें पूछे जा सकते हैं, एक जो यहाँ पर दिया हुआ है कि n क्या है, तो n कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर 70, 46 और 118 था, तो HCF किसका किसका निकालोगे, 70 माइनस 46 कर लीजिए तो 24 आ रहा है,
46 माइनस ऑफ 118 कर लीजिए तो यहाँ पर 2 और 11 माइनस 4 मतलब 72 आ रहा है, और 118 माइनस ऑफ 70 कर लीजिए तो यहाँ पे 48 आ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 24, क्योंकि 24 जो है इन तीनों में कॉमन था, तो 24 जो है ये आपका 24 है, ठीक, 24 आपका HCF बन जाएगा। अब सवाल, सेकंड सवाल ये पूछा जा सकता था कि कॉमन जो रिमाइंडर आ रहा है उसका वैल्यू क्या है ये भी बताइए, मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है ना तीनों में रिमाइंडर सेम था तो रिमाइंडर क्या है वो कैसे निकालोगे। उसके लिए आप किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर लीजिए, जैसे 70 को मैं 24 से डिवाइड कर लेता हूँ तो आप जानते हैं माइनस 2 का रिमाइंडर है, माइनस 2 मतलब कि 22 होगा, या आप पूरी तरह से 2 से 48 से माइनस करोगे तो यहाँ पर 22 रिमाइंडर आएगा। या ऐसे देखिए कि ये 72 माइनस 2 है ना, 72 माइनस 2 मतलब रिमाइंडर माइनस 2 है, और नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है तो एक बार और 24 जोड़ेंगे तो 22 का रिमाइंडर आएगा, ये हम पिछले वीडियो में कवर कर रखे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि HCF में दो सवाल दो टाइप है, LCM में भी दो टाइप है, तो LCM का पहला टाइप अब सवाल देख लेते हैं। यहां दिया हुआ है लीस्ट पॉसिबल नंबर n व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय ABC लीव्स द रिमाइंडर DEF सच दैट देयर इज अ कांस्टेंट डिफरेंस d बिटवीन डिवाइजर एंड द रिमाइंडर। सबसे छोटी संख्या n जिसे ABC से विभाजित करने पर DEF रिमाइंडर बचता है, ताकि भाजक और शेषफल के बीच का जो अंतर है वो समान है। अब आप मुझे बताइए कि LCM का सवाल बना तो कैसे बना और क्यों बना। यहाँ पे हम ये जो n संख्या है जिसे हम इससे विभाजित कर रहे हैं, लीस्ट पॉसिबल नंबर n विच इज डिवाइडेड बाय ABC, मतलब कि आपने क्या किया, आपने n को डिवाइड किया a से तो शेष बचा d, ठीक। जब हमने n को डिवाइड किया b से तो शेष क्या बचा, अगेन यहाँ पे e बचा, और जब हमने n को डिवाइड किया C से तो हमारा जो शेष बचा वो F बचा, सच दैट इन दोनों में डिफरेंस सेम है। A माइनस डी जो है आपका डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब चाहे आप A माइनस डी लीजिए, चाहे आप B माइनस ई लीजिए, चाहे आप C माइनस F लीजिए, तीनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, D आ रहा है डिफरेंस। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको LCM लेना है। आप समझ में आया LCM वाला सवाल क्यों है, क्योंकि N यहाँ पर काटा जा रहा है किसी नंबर से और आपको n निकालने को कहा जा रहा है जो कि मल्टीपल होगा ABC का। तो मल्टीपल्स में भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ले लीजिए और मल्टीप्लाइड बाय हम k करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक जनरल फार्मूला है और इस जनरल फार्मूले में k बराबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इन्फाइनेट तक, और k को 1 तब लेंगे जब सबसे छोटा वैल्यू निकालना है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ LCM ऑफ ABC निकालूं तो ऐसे नंबर निकलेंगे जो A से B से C से पूरी तरह से कटे, लेकिन क्योंकि मुझे A से काटने पर यहाँ पर D रिमाइंडर आना चाहिए तो मैं क्या करूँगा, माइनस ऑफ D कर लूँगा जो कि कॉमन डिफरेंस है। माइनस D कॉमन डिफरेंस लेने का मतलब क्या है, क्योंकि A बराबर था D माइनस D प्लस D था, तो अगर मैं इसमें से माइनस D कर दूँ यानी माइनस D रिमाइंडर चढ़ा दूँ तो प्लस D का रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक। और दूसरी बात, B बराबर क्या है, B बराबर है कैपिटल D जो कि डिफरेंस है प्लस E, तो अगर मुझे E का रिमाइंडर चाहिए तो मैं माइनस डी का रिमाइंडर दे देता हूँ, क्योंकि माइनस डी का रिमाइंडर और ई का रिमाइंडर सेम होता है, ये हम पिछले रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ के रखे हुए हैं। और सी जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी प्लस एफ लिख सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ से माइनस डी कर लेता हूँ तो माइनस डी करने पर फिर से रिमाइंडर एफ ही आएगा, ठीक। तो जनरल फार्मूला क्या है कि आप LCM निकाल लीजिए ABC का और माइनस इसमें जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस, जो आपके कॉन्स्टेंट डिफरेंस था डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में, इसको एक बार माइनस कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए n, सबसे छोटा नंबर n जिसको 64 से जब डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो बचता है वो 34 का बचता है, 36 से डिवाइड करने पर 6 का रिमाइंडर और 48 से डिवाइड करने पर 18 का रिमाइंडर। तो n को जब 64 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितने का आ रहा है, 34 का। n को जब 36 से डिवाइड किया जा रहा है तब रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 6 का आ रहा है। n को जब 48 से डिवाइड किया जा रहा है तो फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 18 आ रहा है। तो आप ये देखिए कि चाहे मैं 64 माइनस 34 करूँ तो भी 30 आता है, यदि मैं 36 माइनस ऑफ 6 करूँ तो भी 30 आता है, यदि मैं 48 माइनस ऑफ 18 करूँ तो भी क्या आता है, तो 30 आता है, ठीक। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में आपको निकालना है n का सबसे छोटा वैल्यू, तो k का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक, k का वैल्यू 1 हो जाएगा। आपको निकालना होगा LCM किसका किसका, 64, 36,
64, 36 और 48। और इसके बाद आपको माइनस करना पड़ेगा एक बार 30, ठीक। तो मैं आपको एक बार और समझाऊंगा कि हम माइनस 30 क्यों कर रहे हैं, ये इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहले देखिए, आप जैसे ही एलसीएम निकाल लेते हैं इन तीनों का, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दो और तीन से ही बने हैं ये सारी चीज़। तो 64 एक बार कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर तीन एक बार है, यहाँ नौ है, तो नौ से यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरीके से। माइनस में आपका जो वैल्यू आएगा ये बन जाएगा 30। तो 64 इंटू 9 कैसे निकाल सकते हैं, 8 इंटू 3 24, यानी कि 576 ले सकते हैं इसको, माइनस का 30। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, जैसे ही मैंने एलसीएम निकाला ना 576, 576 क्या है, 576 एक ऐसा नंबर है जो कि 64 से पूरी तरह से कट रहा है। तो 64 से अगर पूरी तरह से कट रहा है, मैं अगर माइनस का 30 इसमें कर दूं तो ये 30 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूं, मुझे चाहिए रिमाइंडर 34 का, तो मैं क्या करूंगा, माइनस 30 कर दूंगा। तो 64 में माइनस 30 किया तो कितना बचा, 34 बचा, मतलब जो वैल्यू फाइनली आएगा वो 34 का रिमाइंडर देगा। कब, जब 64 से काटा जा रहा है। सेकेंड वाले में देखिए, 36 से पूरी तरह से कट रहा था, तो अगर मैं 30 माइनस करूँ तो पूरा 36 काट देते तो फिर कटता पूरी तरह से, 30 माइनस करने पर अब 6 एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसलिए इसको फिर से 30 से हम काट रहे हैं, ताकि ये सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो कि 36 से काटने पर 6 रिमाइंडर आना चाहिए। सेम चीज़ 48 में 18 रिमाइंडर चाहिए, तो 30 से माइनस करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो कॉन्स्टेंट जब भी डिफरेंस आता है बिटवीन डिवाइजर एंड आपके रिमाइंडर, तो एलसीएम एक बार ले लेना है, फिर उसमें के मल्टीप्लाई करना है। के क्या है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो के का वैल्यू यहाँ 1 होगा। एक बार एलसीएम निकाल दिए और माइनस 30 कर दिए, तो जो भी कंडीशन पूछा जा रहा था वो ऑटोमेटिकली आपका प्रूव हो जाता है, वो वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है कि 64 से 34 का रिमाइंडर, 36 से 6 का और 48 से इतने का। तो रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो है 5, यहाँ से 30 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, 546 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको एक बार जरूर सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो मैं आपको यहाँ पर फार्मूला लेकर भी सिखाऊंगा और विदाउट फार्मूला भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि एन को जब 16 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर बच रहा है कितने का, 12 का। n को जब हम 36 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच रहा है कितना, शेषफल आ रहा है आपका 32 का। और साथ ही साथ n को यदि हम 24 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 20 का। तो इन तीनों केस में अगर मैं 16 माइनस 12 करूं तो 4 आएगा रिमाइंडर, अगर मैं 36 माइनस 32 करूं तो भी 4 आएगा रिमाइंडर, अगर मैं 24 माइनस 20 करूं तो भी क्या आएगा, तो 4 रिमाइंडर आएगा तीनों केस में। क्लियर। तो ऐसे में क्या करना है, आपका नंबर जो होता है वो होता है एलसीएम। सबसे पहले तो यहाँ के होता है, और क्या लेना होता है, एलसीएम। एलसीएम किसका किसका, तो 36 और 24 का, ठीक। और माइनस क्या कर देना है, लास्ट में 4 माइनस कर देना है। तो इन तीनों का एलसीएम सबसे पहले बताइए क्या होगा, 16 को कॉमन निकाल लेते हैं और 9 को कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब 144 के माइनस ऑफ 4 ये आएगा वैल्यू, ठीक। अब मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना था, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या निकालनी थी, ठीक। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है। जब सबसे बड़े 4 अंकों वाली संख्या की बात होती है तो आप ये देखिए कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या आप क्या जानते हैं। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या हम जो जानते हैं वो तो 9999 है, तो उसको एक बार आप लिख लेंगे इस तरीके से और इस 144 से उसको डिवाइड करेंगे। 144 से डिवाइड करने पर कितने बार कट रहा है ये देखना होगा। अगर मैं इसको 5 टाइम्स करूँ या 6 टाइम्स करूं, 7 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 6 टाइम्स में देखते हैं, 6 टाइम्स में आपका आएगा 4 जा 24, फिर 24 से फिर से 6 जोड़ोगे 6 टाइम्स, फिर 2 जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 8 आ रहा है, 864। 864 में यदि मैं इसे माइनस करूँ तो यहाँ पर आपका आएगा 5, यहाँ पर आपका आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 1 और ये 9 नीचे आएगा। अब फिर से ये वैल्यू आ रहा है, अब इस वैल्यू में अगर मैं 9 टाइम्स इसको लेता हूं, ठीक है, 9 टाइम्स शायद ज़्यादा होगा, चलिए 9 टाइम्स अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपका जाएगा ये 36 से, फिर से 36 से जाएगा तो 9 और 3, 9 से जाएगा तो यहाँ पे 12 आएगा, 1296, ठीक। अगर मैं इसे माइनस करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आपका 3 से काटोगे 2 टाइम्स, 15 माइनस इतना करोगे तो 63 आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो आपने लिखा है स्क्रीन पर, 144 से काटने पर
इतना रिमाइंडर आ रहा है, मतलब कि आपको पहले तो ऐसा नंबर निकालना होगा जो 16, 36 और 24 से पूरी तरह से कटे। 16, 36 और 24 से पूरी तरह से कटने पर जो नंबर आया वो आया 144 सबसे छोटा। तो 144 से जब मैंने सारे सबसे बड़े नंबर जो कि 4-डिजिट नंबर है उसको जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा था 63। तो मैं क्या करूँगा, पहले 9999 माइनस 63 करूँगा जो कि यहाँ पर आ जाएगा 63, ठीक है, 9 9 9 9 3 6 सबसे बड़ा 4-डिजिट नंबर होगा जो कि आपके 16 से भी कटे, 36 से भी कटे, 24 से भी कटे, मतलब ये जो 144 के है इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 9 3 6 लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नंबर चाहिए था जो 16 से काटने पर 12 रिमाइंडर दे, 36 से काटने पर 32 और 24 से काटने पर 20 रिमाइंडर दे। तो एक बार माइनस का 4 करना पड़ेगा। अब ये माइनस का 4 क्यों हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो 9 9 3 2 इसका वैल्यू होगा, ठीक, ये हो गया बेसिक तरीका, इसी से हम फॉलो करेंगे। और यदि आपको के वाला अप्रोच चाहिए तो क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में आपको के की जगह क्या डालना होगा, 69, मतलब कि सबसे बड़े 4-डिजिट नंबर को 144 से डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आ रहा है वही आपका के का काम करेगा। तो 144 इंटू 69 करिए, उससे भी आपका वैल्यू 9936 आएगा, माइनस में 4 करिए तो 9932 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया एलसीएम का पहला टाइप। अब जो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं ये एलसीएम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इसी टाइप के सवाल जो है आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछने के चांसेस रखते हैं, और ये आसान भी है। यहां पर लीस्ट पॉसिबल नंबर एन विच वेन डिवाइडेड बाई ए बी सी लीव्स द सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस, यानी सबसे छोटी संख्या एन जिसे हम ए बी सी से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक में समान शेषफल आर बचता है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली एलसीएम ले लेना है ए बी सी से, और ए बी सी का एलसीएम मतलब ए से भी कटे, बी से भी कटे, सी से भी कटे, और जब रिमाइंडर आर छोड़ रहा है तो प्लस का आर कर देंगे, ये सबसे छोटा वैल्यू होगा। लेकिन अगर आपको जनरल फार्मूला चाहिए तो यहाँ के लिख देंगे जिसमें 1 2 3 4 इन्फाइनाइट तक कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि सवाल आपसे हमेशा लिस्ट नहीं पूछेगा। जैसे पिछला वाला एग्जांपल लिया था, सबसे छोटा 5 अंकों वाली संख्या, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या, इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो उसके लिए आपको ये जनरल फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें के का वैल्यू 1 2 3 4 से लेकर इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। अब यहां से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 20, 40, 75 और 60। जब मैंने ये कह दिया कि ये संख्या जो है वो पूरी तरह से आपके डिविजिबल है यानी पूरी तरह से विभाज्य है, विभाज्य होने का मतलब है कि ये इसी फॉर्मेट में है, लेकिन आपका रिमाइंडर यहाँ पे जो बन जाता है वो जीरो बन जाता है, मतलब डायरेक्ट आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो लगभग ये पिछले सवाल जैसा ही हो गया जिसमें आपको रिमाइंडर ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे चारों नंबर का, 20, 40, 60 और 75। तो इसमें बताइए एलसीएम कैसे होगा। सबसे पहले तो आप देखिए, 2 इसमें कॉमन था तो सबसे बड़ा 2 यहाँ से आएगा, 8, और 3 की अगर बात करते हैं तो 3 यहाँ पे एक बार है तो 3 एक बार लिख लेते हैं, 5 की अगर बात करें तो यहाँ 25 है तो 600 इसका एलसीएम हो गया, 600, ठीक है, 600 इसका एलसीएम है। लेकिन हमें स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर निकालना था, सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या निकालनी। तो एक्चुअली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या ये होती है 1000। 600 से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 600 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा 600 से, माइनस करने पर 400 आ रहा है, मतलब कि आप ये समझिए कि 600 से डिवाइड करने पर हमारा शेषफल 400 आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, ऐसे केस में आपको 1000 में माइनस का 600 करना होता है, और जैसे ही आप माइनस का ये रिमाइंडर करना होता है जो कि क्या है, माइनस का 400, और जैसे ही आप इसमें माइनस कर देते हैं तो एक ऐसा वैल्यू निकल के आता है जो कि 600 से पूरी तरह से कटता है, जो कि यहाँ पर 600 खुद है, ठीक। लेकिन आपको सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या निकालनी थी, और क्योंकि 4 अंकों वाली संख्या की बात हम कर रहे हैं तो हमने लिया भी तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या थी जो कि है 1000, और इसमें अगर एक भी माइनस होता है तो ये 4 अंकों वाली संख्या नहीं रह जाती। तो अगर मैंने इसमें 400 माइनस किया तो ये संख्या अब 4 अंकों वाली नहीं रह गई, लेकिन जो वैल्यू निकल के आया वो कहीं ना कहीं 600 का मल्टीपल है। तो क्या करना होगा, इसमें फिर से एक बार 600 को जोड़ देना होगा 600 को, तो आ गया 1200। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं
तो डायरेक्टली क्या करेंगे, 600 से डिवाइड करने पर, जब सबसे छोटे वाले केस की हम बात कर रहे हैं, तो जो वैल्यू यहाँ कोशेंट में आ रहा है एक, इससे बड़ा एक वैल्यू लेना होगा, तो 1 से एक बड़ा वैल्यू 2 है, तो यहाँ आपका वैल्यू 2 फॉर्मूले के जरिए अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो 2 × 600 कर लेंगे, जो कि आएगा 1200। ठीक, तो मैंने दो बातें बताई यहाँ पर। अगर सबसे छोटे वैल्यू की हम बात कर रहे हैं 4 अंकों वाली, तो सबसे छोटे 4 अंक वाले वैल्यू में एलसीएम से डिवाइड करने पर जो कोफिशेंट आया, इससे यानी कि भागफल से एक जोड़कर आपका के निकलेगा। लेकिन जब सबसे बड़े संख्या की बात हो रही है 4 डिजिट वाली या 5 डिजिट वाली, तो जो कोशेंट आया यानी कि भागफल आया वही आपका के बन जाता है उस केस में। चलिए एक दो एग्जाम्पल है यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताऊंगा, एक दो एग्जाम्पल आपके लिए भी छोड़ूंगा, जो कि आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, जिसका आंसर मैं चेक करूंगा कि कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। देखिए, लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40, 35 and 60, ये हूबहू पिछले सवाल के जैसा ही है। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको 5 अंकों वाली संख्या दी गई है, तो इसको ज़रूर सॉल्व करिए आप, यहाँ पर आपका उत्तर आ जाना चाहिए। मैं यहाँ भी आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, आपको करना क्या है, 40, 35 और 60 का एलसीएम लेना है, सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या है, यानी शेषफल आपका रिमाइंडर 0 होगा, तो एलसीएम का टाइप 2 सवाल है ये। पहले एलसीएम देखिए, अगर यहाँ से इसका एलसीएम निकालने जाओगे तो सबसे पहले तो 8 निकलेगा, क्योंकि 4 2 का हाइएस्ट पावर है 40 में, 5 निकलेगा, उससे पहले 3 भी निकलेगा, अगला प्राइम नंबर, एक 5 निकलेगा और एक 7 निकलेगा। ठीक है, तो 40 और 21 मतलब कि टोटल जो है 840 जो है इसका एलसीएम हो रहा है, 840। चलिए, अगर 840 इसका एलसीएम है, तो हमको पूछा जा रहा था कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000, इसको यदि मैं 840 से डिवाइड करूं तो 1 टाइम जाएगा यहां 840 से, माइनस करने पर 160 होगा, एक बार और 0 आ गया, तो एक बार फिर से इसको 1 से काटेंगे 840 टाइम्स, माइनस करने पर कितना आ रहा है, 760 आ रहा है। ठीक है, 760 आ रहा है, मतलब कि इस 10,000 में अगर मैं 760 को माइनस कर दूं तो जो वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं 840 का मल्टीपल होगा, 840 का मल्टीपल होना मतलब इन सभी का मल्टीपल होना। लेकिन सवाल ये था कि ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, और 10,000 तो अपने आप में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो इसमें 760 माइनस करने के बाद ये 5 अंकों की संख्या नहीं रह जाती, इसलिए मुझे एक बार और इसमें 840 जोड़ना होगा, यानी यहाँ पर कुल मिला के मैं 80 जोड़ रहा हूँ, यानी कि 10,080 जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ए जो है सवाल का सही उत्तर है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया इस तरीके के सवाल। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो 11 में प्लस 1 करिए, 12 आएगा, आपको क्या करना है, प्लस 1 करिए तो 12 आ जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय जो आपका एलसीएम निकला 840, ये आपका उत्तर हो जाएगा नॉर्मली अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12, 15, 20, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15, 20 से पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित है, आप आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, मैं चेक करूंगा कि आपने इसे कितने लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जिसे हम 7, 4 और 5 से विभाजित करते हैं, तो रिमाइंडर आपका बचता है 4, 1 और 2 रिस्पेक्टिवली, तो एन को जब 20 से डिवाइड किया जाएगा रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमें निकालना है। आप बस ये देखिए कि जब n को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 4 बचता है, n को यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है, n को यदि मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचता है 2। अब देखने वाली बात यह है कि 7 - 4 जो है ये 3 होता है, 4 - 1 जो है ये भी 3 होता है, 5 - 2 ये भी 3 होता है, मतलब जो फार्मूला बनेगा, फार्मूला जो n का वैल्यू होगा वो हो जाएगा, क्योंकि n डिवाइड हो रहा है, n डिवाइड मतलब एलसीएम का सवाल, तो एलसीएम 7, 20 और 7, 4 और 5 का
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे के होता है, के से मल्टीप्लाइड भी होगा, और माइनस में आपको करना होगा 3। ठीक, तो आप खुद ही बताइए कि इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या है, 7 का इसका और इसका, मतलब 140 के माइनस 3 के फॉर्म में है। अब सवाल को देखिए, क्या आपको नंबर निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है 20 से डिवाइड करने पर क्या वैल्यू आएगा, चाहे वो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं। सवाल ये पूछ रहा था कि 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर -3 का आ रहा है, -3 रिमाइंडर आया, तो आप जानते हैं इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आपको 20 एक बार और जोड़ना पड़ेगा, तो 17 आएगा, आंसर ए हो जाएगा। पूरा वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम में ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा रिमाइंडर थ्योरम का, पिछला वाला वीडियो देखिए, क्योंकि इस तरीके के भरपूर सवाल मैंने वहाँ लिए। अगर -3 रिमाइंडर आ रहा है तो -3 में 20 जोड़ देंगे तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 55। तो एलसीएम निकालना होगा हमें किसका किसका, 25 का, 40 का और 55 का। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, यहाँ से 8 निकलेगा, यहाँ से 25 और 1 11, मतलब 2200 जो है ये नंबर है इन सबका एलसीएम। लेकिन रिमाइंडर जो आना चाहिए वो 12 आना चाहिए, जब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर क्या है, 999999, इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, 2200 से। तो दो बार काटेंगे, सॉरी 4 टाइम्स ना, 4 बार काटेंगे तो 8800 आएगा, माइनस करने पर यहाँ 99 और यहाँ पे 11 आ रहा है, तो 19 को नीचे ले आते हैं। अब ये 5 बार कटेगा, 5 बार 20 और 110, ठीक है, माइनस करोगे तो 3999 बन गया, फिर से 9 नीचे आएगा। अब ये फिर से एक बार 4 से कटेगा, जो कि क्या है 8800, माइनस करने पर यहाँ पर जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है 1199, ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है। मतलब इस वैल्यू में इतना ज़्यादा है, अगर इस वैल्यू में इतना ज़्यादा है, मतलब जो नंबर होगा वो नंबर डायरेक्टली क्या होगा, इस वैल्यू में 1199 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ 2 बार 0 आएगा, 2 बार 8 आएगा और 2 बार 9 आएगा। तो ये नंबर 2200 से पूरी तरह से कटेगा और सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर भी होगा। लेकिन हमें क्या करना था, हमें तो निकालना था ऐसी वैल्यू जो कि 12 का रिमाइंडर दे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्योंकि 25 से 40 से और 55 से तीनों से 12 का रिमाइंडर आना चाहिए, तो मैं इसमें एक बार और 12 जोड़ लूँगा, तो हमारा उत्तर जो होगा वो होगा 9988812। ठीक, सी जो है सवाल का सही उत्तर है। अगर जो लोग इसमें फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे, के एलसीएम किसका किसका, 25 का, 40 का और 55 का और प्लस में 12, यही हमारा फॉर्मूला मैंने बताया था। इसमें बस के का वैल्यू है ना, के का वैल्यू ये हो जाएगा। जब सबसे बड़े वैल्यू की हम बात कर रहे हैं 6 डिजिट की नंबर की, तो सबसे बड़े 6 डिजिट नंबर को डिवाइड करने पर जो भागफल यानी कोशेंट आता है वही हमारा के बन जाता है। तो 2200 जो कि एलसीएम हो गया इन तीनों का, मल्टीप्लाइड बाय 454 प्लस 12 करोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। यहां से कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पे क्या करना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना है विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली 11 मीटर्स, 6 मीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर्स, 25 मीटर्स एंड 35 सेंटीमीटर्स। तो सबसे बड़ी नाप क्या होगी जिसका उपयोग करके आप लंबाई 11 मीटर, 6 मीटर और 5 सेंटीमीटर, 20 मीटर और 35 सेंटीमीटर को पूरी तरह से आप माप सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये समझिए कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है कि एचसीएफ का क्वेश्चन है। 11 मीटर, सबसे पहली बात तो 1 मीटर का मतलब क्या है, ये होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 11 मीटर की बात कर रहा हूँ तो ये हो गया 1100 सेंटीमीटर। अगर मैं 6 मीटर कह रहा हूँ तो ये 600 सेंटीमीटर प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि 605 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं 20 मीटर कह रहा हूँ तो 2000 हो जाएगा, यानी 20 × 100 फिर 35 सेंटीमीटर और है इतना सेंटीमीटर। तो सवाल तो ये कह रहा है ना कि आप ऐसा बताइए सबसे बड़ी संख्या जिससे आप इसको माप सकते हैं। मापने का मतलब है कि आप इस नंबर को भी डिवाइड कर सकें, दूसरे नंबर को भी डिवाइड कर सकें और तीसरे नंबर को भी आप डिवाइड कर सकें
ताकि कोई रिमाइंडर ना बचे। तो जब डिवीज़न की बात हो रही है, यानी कहीं ना कहीं आप इसके फैक्टर को ढूंढने की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ HCF लगेगा, तो तीनों का HCF निकालना है। तो अगर इन तीनों नंबर्स का मुझे HCF चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके, अगर मैं डिवीज़न से भी करने जाऊँ तो यहाँ पर देखिए 5 तो कॉमन दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, ये 11 से भी कट रहा है, ये भी कहीं ना कहीं 11 से कट रहा है, और तीसरा वैल्यू जो है 2, 5, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब ये भी 11 से कट रहा है, यानी 11 और 5 दोनों से कट रहे हैं, तो आंसर आपका 55 ही होना चाहिए, क्योंकि 11 वहीं पे छुपा हुआ है। तो तीनों का HCF जो है वो कहीं ना कहीं 55 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है ये भी HCF में आते हैं, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं ये क्या है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, मेंसुरेशन हो या कहीं कहीं इस तरीके के सवाल हो, इसमें भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत सारे सवाल है जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक, और ये आपको पता होना चाहिए कि LCM HCF से, केवल LCM HCF के सवाल नहीं, इस तरीके के सवाल भी बनते हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होते हैं HCF LCM के। अ सर्वेंट वॉज पेड फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज फॉर विच ही हैड टू पे ₹3321, ही वॉज एबसेंट फॉर सम डेज एंड ओनली ₹2997 वॉज पेड, वॉट इज मैक्सिमम वेज। एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा जाता है जिसके लिए उसे इतना रुपये दिया जाना था, लेकिन वह कुछ दिन नहीं आया तो उसको केवल इतना रुपये दिया गया, तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या हो सकती है। देखिए, जो भी हम वेज दे रहे हैं इसको जो मजदूरी के लिए पैसे जो दे रहे हैं, वो एक दिन का जो पैसा होगा, ठीक है, सपोज करिए एक दिन का पैसा ₹x है, मल्टीप्लाइड बाय जितने दिन ये आ रहा है वही होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें और इसमें आपकी दैनिक मजदूरी जो है, यानी इस मजदूर की दैनिक मजदूरी जो है, वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाइड होगी, ठीक है। दिक्कत ये हो रही कि जितने दिन यहाँ है वो यहाँ पर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली एक ऐसी नंबर, सबसे बड़ी नंबर जो इसे भी काटे और इसे भी काटे निकालना हो, क्योंकि दैनिक मजदूरी से इसे डिवाइड करोगे तो ये भी कट जाएगा पूरी तरह से, और दैनिक मजदूरी से इसे डिवाइड करोगे तो ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या करना है, तो 3321 और 2997, इन दोनों का हमें HCF निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इन दोनों का देखिए डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या, 324 है, 324 है। तो 324 देखते साथ समझ में आता है कि यहाँ पर 81 ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि इसका फैक्टर है, क्योंकि 81 इंटू 4 करने पर 324, मतलब इसका HCF जो बनेगा वो बनेगा 81, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए, तो 81 जो था वो उसका दैनिक मजदूरी मैक्सिमम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पैरेलल सर्कुलर ट्रैक है जिसमें 18 किलोमीटर लंबा है और एक्स वाई जेड जो है स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, देन ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑल ऑफ द थ्री विल मीट अगेन आफ्टर हाउ मच टाइम। तो 18 किलोमीटर दूरी वाली एक वृत्ताकार पथ है एक्स वाई जेड, एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितने बजे मिलेंगे, यह हमें निकालना है। तो देखिए, जब हम एक सर्कुलर ट्रैक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स जो है वो भाग रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वाई जो है वो भाग रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जेड जो है ये भाग रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये जो पूरा का पूरा ट्रैक है प्रारंभिक बिंदु से फिर से वापस प्रारंभिक बिंदु पर आने में टोटल जो डिस्टेंस कवर करना है वो है 18 किलोमीटर। ये 18 किलोमीटर हमें दिया हुआ है टोटल दूरी, तो ये 18 किलोमीटर है। अब ये पूछा जा रहा है कि तीनों वापस इसी बिंदु पर कब मिलेंगे। तो सबसे पहले बात, ये जो सवाल है टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, लेकिन इसमें भी एप्लीकेशन आपके LCM का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो टाइम होता है, सबसे पहली बात टाइम स्पीड डिस्टेंस में देखेंगे, वो होता है डिस्टेंस यानी दूरी बटे समय, स्पीड यानी कि, ठीक है, यानी कि दूरी बटा जो गति है ये टाइम होता है। तो टाइम जो x को लगेगा वो लगेगा 18 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5, टाइम जो y को लगेगा वो लगेगा 18 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं कितना है, तो 6 से काटोगे तो आ जाएगा 3/5। और टाइम जो लगेगा Z को वो जाएगा 18 किलोमीटर डिवाइडेड बाय Z की स्पीड जो कि है 15, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 6/5 घंटे, आवर्स में, आवर्स में इसलिए क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और जो डिस्टेंस है किलोमीटर में, तो ये कट के आपका आवर्स में आंसर देगा। मतलब
एक्स जो है हर 18/5 घंटे के बाद यहाँ वापस मिलेगा। जैसे स्टार्ट हुआ रेस 18/5 घंटे बाद यहाँ एक्स आया, फिर 18/5 घंटे बाद एक्स यहाँ, 18/5 घंटे बाद एक्स यहाँ। वाई जो है हर 3/5 घंटे के बाद वाई वापस इधर आएगा, फिर 3/5 घंटे के बाद यहाँ। मतलब ऐसा वैल्यू हमें देखना है, मल्टीपल देखना है कि इसके जो कॉमन मल्टीपल हो और सबसे छोटा वैल्यू हो वहीं पे जाकर आपके जो है तीनों एक साथ आएंगे। तो आपका एलसीएम जो होगा इसका तीनों नंबर का, यानी 18/5 का और 3/5 का और साथ में 6/5 का, इन तीनों का एलसीएम नहीं, एलसीएम तीनों का लेना है। मतलब एलसीएम न्यूमरेटर का लेंगे 18 का, 3 का और 6 का, और एचसीएफ ले लेंगे तो डिनोमिनेटर का, मतलब 5/5/5 का, मतलब 5 आना कंफर्म है। एलसीएम ऊपर बन जाएगा 18, एचसीएफ नीचे 5 बन जाएगा, यानी 3 आवर्स एंड 3/5 और आया, 3 घंटे और 3/5 आवर। मतलब कि इसमें आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि बन जाएगा 36 मिनट। तो 3 घंटे और 36 मिनट के बाद ये लोग वापस मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे तीनों एक साथ। क्लियर है? ये तो कुछ एप्लीकेशन हो गए। इस तरीके के सवाल के लिए तैयार रहिए, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आपको ऐसा सवाल जो है ये कभी भी ये बताता नहीं है कि मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल नहीं हूँ, मैं एलसीएम एचसीएफ का सवाल हूँ। तो पहचानना पड़ेगा कि यहाँ एलसीएम निकालना है। जैसे एक और टाइमिंग रिलेटेड सवाल है, तो यहाँ पर आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना है। और बोला गया है कि पहली बार अगर 10 बजे बीप हुआ था तो अगले बार कितने बजे हुआ था, तो 10:07:12, 10:07:24, तो 10:07:36, 10:07:48। ठीक है, तो इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं इस सवाल को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये भी लगभग पिछले वाले एग्जांपल के जैसा ही है कि घंटियाँ एक साथ बज रही है, पहली बार 12 सेकंड पे, दूसरी बार जो है सेकंड वाला जो है वो 148 सेकंड पे बजता है, तीसरा वाला जो है वो हर 111 सेकंड पे बजता है। तो वापस फिर से कब बजेंगे एक साथ, अगर ये पहली बार 10 बजे सुबह बजे थे, तो एलसीएम निकालिए, डिवाइडेड बाय 60 कर लीजिए, क्योंकि आपको मिनट में जाना है। ठीक, अब यहाँ से एक आखिरी सवाल मैं लूँगा जो कि आपके मेंसुरेशन से रिलेटेड है। एक क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट था 385, 165 और 66 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम द क्यूबॉइड। एक घनाब है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 385 है, 165 है और 66 है, तो फिर क्यूब्स की न्यूनतम संख्या बताइए जो इस घनाब में से काटी जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि क्यूब जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसका अपना लेंथ होती है, लेंथ दिया हुआ है 385, ठीक है, 385 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ होता है, ब्रेड्थ दिया हुआ है 165, और हाइट होता है, हाइट दिया हुआ है 66। ये तीन चीजें हमें दी हुई है। अब सवाल ये पूछ रहा था आपको, यहां से सबसे कम संख्याओं का क्यूब निकालना है। क्या करना है? सबसे कम न्यूनतम संख्या होनी चाहिए आपके घनाब की। तो कई बार अब यहां पर ऐसा हमारे नोशन बना हुआ है कि जब मिनिमम चीज निकाली जानी चाहिए तो वो कहीं ना कहीं एलसीएम का सवाल होता है, लेकिन ये एलसीएम का सवाल नहीं, एचसीएफ का सवाल है। क्यों, समझते हैं। मैंने आपको यही बताया है कि अगर कोई नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं और उस डिवीजन वाले नंबर की अगर बात की जा रही है तो ये एचसीएफ का सवाल होगा। अगर उस नंबर के मल्टीपल का वैल्यू हमें निकालना है, जैसे पिछले नंबर्स वैल्यूज़ में हम निकाल रहे थे, तो ये एलसीएम का सवाल होता है। तो इसमें देखिए, हमें अगर क्यूब न्यूनतम चाहिए तो ऐसा वैल्यू चाहिए। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसा वैल्यू होता है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों सेम होते हैं। एल है, एल है तो ये भी एल होगा, या ए है, ए है, तो तीनों के तीनों जो है वो ए होंगे। मतलब हमें यहाँ पर सबसे कम क्यूब्स चाहिए, तो ऐसा सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए ए, जो कि इसको भी यानी कि 385 को भी पूरी तरह से काटे, 66 को भी यानी इस तरीके से भी पूरी तरह से काटे, और चौड़ाई के हिसाब से भी पूरी तरह से काटे। तो ए का सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि जब ये मैक्सिमम वैल्यू होगा तभी सबसे कम नंबर ऑफ क्यूब्स यहाँ से निकलेंगे। तो जितना बड़ा ये वैल्यू होगा उतने ही कम न्यूनतम नंबर ऑफ क्यूब्स निकलेंगे। ठीक, तो ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? एचसीएफ किसका? किसका? 66 का, 385 का और 165। देखते साथ समझ में आ रहा है कि 11 से कटेगा ये पूरी तरह से। ठीक, तो 11 से पूरी तरह से इसको काट लेते हैं, यानी 11 सेंटीमीटर जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है।
अब सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ, आपसे अगर पूछता कि क्यूब की सबसे बड़ी लंबाई क्या हो सकती है तो वो आप कर देते कि 11 सेंटीमीटर जो इसको पूरी तरह से काटे, लेकिन ऐसा नहीं था, सवाल पूछ रहा था कि कितने क्यूब्स निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब आप 11 सेंटीमीटर से इस तरीके से काटना चालू करोगे तो यहाँ से आपके 6 क्यूब निकलेंगे क्योंकि ये 66 है। तो नंबर ऑफ क्यूब की बात कर रहे हैं, तो 66 वाले एड से 66 बटे 11 यानी कि 6 क्यूब निकलेंगे। जब आप इस तरीके से काटना चालू करेंगे 11 11 11 इस तरीके से, तो आपके नीचे वाले साइड से यानी लेंथ वाइज 385 माइनस डिवाइडेड बाय 11 यानी इतने क्यूब निकलेंगे यहाँ से। जब आप इस तरीके से वर्टिकली काटना चालू करेंगे ब्रेड्थ वाइज, तो यहाँ से आपके 165 डिवाइडेड बाय 11 इतने क्यूब्स निकलेंगे आपके, जब आप बोर्ड के अंदर इस तरीके से समझ रहे होंगे, जब हम इस तरीके से जाएं चौड़ाई के हिसाब से तब। तो यहाँ से 6 आएगा, 6 क्यूब निकलेंगे, यहाँ से आपके 35 क्यूब निकलेंगे और यहाँ से आपके 15 क्यूब निकलेंगे। तो बताइए कितने हो गए टोटल, ये आपका 210 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 15, तो 3000 और यहाँ पे 15 यानी 3150 जो है क्यूब्स टोटल निकल के आएंगे हमारे इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं मेंसुरेशन से रिलेटेड आपके सवाल है जो कि आपके HCF और LCM का सवाल है, ठीक है। तो सवाल को पहचानना जरूरी है कि HCF का सवाल हो कि LCM का सवाल हो, तो कैसे पहचानना है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं, आशा करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी सवाल हमने कराए वो आपको अच्छे लगे होंगे। इसके बाहर आपका जो पेपर है वो आएगा नहीं LCM HCF का, मैं कुछ और सवाल आपको दे दूंगा प्रैक्टिस शीट में, प्रैक्टिस शीट आप चाहते हैं आपको मिले तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको कंपटीशन कम्युनिटी का वेबसाइट दिया हुआ है, वहाँ जाके फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करके आपको सारे PDF मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलते रहे, और लाइक बटन दबाना मत भूलिए क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन हाई रहता है कि हम और अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करें। तो इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।